हेलो नन्हे मुन्ने प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है सविता फोड़े एकेडमी में। और आज हम सुनने वाले हैं कहानी बोनी की। एक मछली है। आज की कहानी का नाम है बोनी की रोमांचक यात्रा। तो आप सब लोग तैयार हो कहानी सुनने के लिए? तो चलो शुरू करते हैं कहानी सुनना। मैं कहानी पढ़ती हूँ और आप लोग कहानी सुनना। तैयार हो आप लोग? चलो अच्छी बात है। बोनी एक छोटी सी फेल मछली थी। विशाल समुद्र ही उसका घर था। बाकी की सभी फेल मछलियाँ गहरे नीले रंग की थी, लेकिन बोनी के सिर का लेकिन बोनी के सिर का छोटा सा सफेद दाग उसे सबसे अलग दिखाता था। इससे वह बहुत सुंदर दिखती थी। उस दिन बोनी ने माँ से कहा, आज मैं समुद्र की लंबी सैर पर जाऊंगी। मुझे आने में देर हो जाएगी। तुम चिंता मत करना। ये देखो, ये है बोनी जिसके सर पर छोटा सा सफेद दाग है। और ये है उसकी माँ, है ना? मछली, छोटी मछली का नाम है इसका बोनी। और ये है उसकी माँ फेल मछली। तो चलो आगे की कहानी सुननी है ना? तो चलो ठीक है बोनी, लेकिन इंसानों या उनके किसी जहाज के पास भी मत फटकना, वरना वे तुम्हारा शिकार कर लेंगे। मैं ध्यान रखूंगी माँ। उस दिन बोनी सचमुच दूर तक तैरती चली गई। रास्ते में उसे अपने कई दोस्त मिले। सबका हालचाल पूछते हुए वह आगे बढ़ती चली गई। वह कभी समुद्र के भीतर तो कभी ऊपर तैरती रही। बोनी की रोमांचक यात्रा एक कहानी लिखी है अनिल सतीजा जी ने। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कौन कौन सुन रहा है कहानी? आप सब सुन रहे हो? आप लोगों को कहानी सुनना अच्छा लगता है? तो चलो हम आगे की कहानी सुनते हैं। जल्दी ही बोनी थक गई। वह वापस लौटने को मुड़ी ही थी कि उसे इंसानों की आवाज़ें सुनाई दी। उसके कान खड़े हो गए। माँ की हिदायत भी याद आ गई, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ी। उसे एक बड़ा सा जहाज दिखा। एक नुकुली समुद्री चट्टान से उस जहाज की टक्कर हो गई थी, इसलिए वह धीरे धीरे डूब रहा था। पूरे जहाज पर अफरा तफरी मची थी। कैप्टन और जहाज के अन्य अफसर सभी यात्रियों को छोटी छोटी नाव में बिठाकर समुद्र में उतार रहे थे। नाव में बैठने के लिए सभी यात्रियों में होड़ लगी थी। हर तरफ चीख फुकार मची थी। हर कोई अपनी जान बचाना चाहता था। कुछ देर तक बोनी चुपचाप देखती रही और फिर लौट पड़ी। वह कुछ दूर आई थी कि सामने का दृश्य देखकर चौंक पड़ी। एक लड़का और उसकी छोटी बहन लकड़ी के एक तख्ते पर खड़े थे। वह तख्ता समुद्र में इधर उधर तैर रहा था। देखो ये दोनों, वो तख्ता इधर उधर तैर रहा था।
लड़का अपनी बहन को सीने से लगाए बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। उसकी बहन लगातार रोए जा रही थी। लड़के की आंखें भी आंसुओं से भीगी थी। ओह बेचारे बच्चे, लगता है ये दोनों भी उसी जहाज से पानी में गिरे हैं। सचमुच ऐसा ही हुआ था। जिस वक्त जहाज चट्टान से टकराया, वे दोनों डेक पर खेल रहे थे। उस टक्कर के जोरदार झटके से दोनों समुद्र में जा गिरे थे। डेक पर रखा एक फालतू तख्ता भी उनके साथ समुद्र पर जा पड़ा था, जिस पर चढ़कर दोनों ने बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाई। लेकिन तब तक जहाज काफी आगे निकल गया था। बोनी ने सोचा, मैं क्यों ना इनकी मदद करूं? वैसे भी माँ ने मुझे इंसानों से दूर रहने को कहा था, वे हमारा शिकार करते हैं, लेकिन ये तो बच्चे हैं। बोनी को उन पर दया आ गई। वह तैरती हुई उनके करीब आ गई। तब लड़की ने डरकर कहा, किशोर भैया, वह मछली हमें खाने आ रही है। हिम्मत से काम लो पलक, मुझे लगता है वह हमारी मदद करना चाहती है। देखो ये है किशोर बॉय और दूसरी लड़की है पलक। अचानक कुछ देखकर बोनी की आंखें चमक उठी। उस तख्ते के साथ एक रस्सी भी थी। ये देखो जो रस्सी भी थी, तो रस्सी को पकड़कर ये मछली खींचने लगी, है ना? बोनी ने तुरंत रस्सी का दूसरा सिरा अपने मुंह में दबा लिया और तख्ते को खींचती हुई तैरने लगी। अब दोनों बच्चों को यकीन हो गया कि बोनी उनकी मदद कर रही है। दोनों तख्ते पर चुपचाप बैठ गए। बोनी जल्दी ही तख्ते को डूबते हुए जहाज के करीब ले आई। वह खुद पानी के अंदर छिपी हुई थी। उससे धीरे धीरे तख्ते को नाव की तरफ सरका दिया। नाव पर बैठे लोगों ने झटपट दोनों बच्चों को ऊपर खींच लिया। उसी वक्त सबने देखा कि एक दूसरा बड़ा जहाज डूबे हुए यात्रियों की मदद के लिए आ गया था। सबके दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई। कैप्टन की मेहनत रंग लाई थी। वह लगातार ट्रांसमीटर पर दुर्घटना का संदेश दे रहा था। यह देखकर बोनी भी खुशी से फूली न समाई। अब वह निश्चिंत होकर घर लौट सकती थी। दोनों बच्चे लगातार बोनी की तरफ देखकर हाथ हिला रहे थे, लेकिन वह फिर भी पानी के अंदर ही छिपी रही। नए जहाज ने यात्रियों को बचाने का काम शुरू कर दिया। बोनी ने वापसी की यात्रा शुरू कर दी। किशोर ने मन ही मन बोनी से कहा, प्यारे मछली, तुम चाहे जहाँ भी हो, हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें हमेशा तुम्हारी याद आएगी। मैं भी तुम दोनों को कभी भुला नहीं पाऊंगी, बोनी भी सोच रही थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सविता फावड़े अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नई सी अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए।